नंबर का है, फाइंड द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी जो है नहीं दी, एक्टिविटी मैंने यहाँ लिखी नहीं, एक्टिविटी दी है बहुत बड़े, मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ओके क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम निकालना है। सम बोले तो क्या, एडिशन आपको करना है। एडिशन करना बोले तो कौन सा फॉर्मूला, एलसीएम का फॉर्मूला यूज करना है आपको। सम निकालना है, किसका सम निकालना है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 140, 1 से लेकर 140, इसके बीच में जो नेचुरल नंबर है, जो नेचुरल नंबर है, ऐसे नेचुरल नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं, उनका सम निकालना है, उनका एडिशन निकालना है। तो वैसे वो नंबर कौन से, देखो पहले तो 4 है, 4 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 8 है, 12 है, उसके बाद 16 है, 20 है, डॉट डॉट लेके 136 तक नंबर है। 140 मत लिखो, बिकॉज ये दोनों के बीच में, 1 से लेकर 140, इनके बीच में जो नंबर है उनका विचार हमें करना है। अभी ये तो नंबर मेरे पास है, चलो 4 है 8 है 12 है 16 है, अभी इन सबको लेकर जमा करके मेरे को सबका एडिशन करना है, सबका सम है, तो SN का फॉर्मूला निकालना है। लेकिन ये नंबर कितने हैं भाई, अगर 20 नंबर होते तो मैं S20 लेता डायरेक्टली एडिशन निकालने के लिए, अगर ये 50 नंबर होते तो S50 लेता, अगर ये 60 नंबर होते तो मैं S60 लेता, लेकिन ये कितने नंबर है भाई वो मुझे मालूम नहीं, तो ये नंबर कितने हैं वो निकालने के लिए मुझे TN का फार्मूला, टन टना टन TN का फार्मूला मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो वो TN का फार्मूला यूज़ करके मैं पहला N का वैल्यू निकालूंगा, और N का वैल्यू निकालने के बाद मैं SN का फार्मूला यूज़ करूंगा। हाँ तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ A क्या दिया है, A बोले तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4, D क्या दिया है, D इज इक्वल टू 8 में से 4 गया, 4 12 में से 8 गया, 4 16 में से 12 गया, 4 आया। उसके बाद TN कितना दिया है भाई, ये 136 को मैं TN कहूँगा, TN इज इक्वल टू 136, और N का वैल्यू मेरे को निकालना, उसके बाद मैं SN का फार्मूला वापरता है। ओके तो पहले N की वैल्यू निकालते हैं, TN का फार्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो मैं ये फार्मूला लिखूँगा आराम से। उसके बाद TN कितना है, 136, तो यहाँ 136 लिखूँगा, इज इक्वल टू A की वैल्यू मेरे को मालूम है क्या, यस बाबा 4 है, N की वैल्यू नहीं मालूम, माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है, 4 है। ओके 136 अपने जगह पे, 4 अपने जगह पे, प्लस 4 इंटू N, 4N, 4 इंटू माइनस 1, माइनस 4, ओके 4 कटअप शटअप वटअप हो गए। अभी 136 अपने जगह पे, ये 4N अपने जगह पे, मेरे को तो N का वैल्यू निकालना, ये 4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाई 136 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन, सो देयर फॉर एन का वैल्यू क्या होगा, 136 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 4 1 4 4 3 12 और 4 4 16 34, एन की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, 34 आती है। अभी एन की वैल्यू 34 आने के बाद मुझे इसका मतलब क्या निकालना है, S34 निकालना है। ओके अभी इनका सबका सम निकालना बोले तो मेरे को S34 निकालना, जो S34 की वैल्यू आएगी वो ये सबका सम आ सकता है। देखो फिर से इसको ठीक से डिवाइड करके देखो, 4 से 4 3 जा 12, 13 में से 12 गया 1, ऊपर से आया 6, 4 4 जा 34, राइट आंसर है। अभी S34 निकालना है, उसके लिए SN का फॉर्मूला N अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिखो। इसके बाद मेरे को S34 निकालना है, तो N के जगह पे 34 को लिखो, N को निकालो, उसके जगह पे 34 अपॉन 2 को लिखो, इन ब्रैकेट 2 इंटू A का वैल्यू क्या है भाई, A का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 लिखो, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का साइन है, उसके बाद ब्रैकेट है, फिर N है, N कितना 34 है, तो 34 लिखो, माइनस 1 लिखो इंटू D, D कितना है 4 है, तो D के जगह पे 4 लिखो, ब्रैकेट को कंप्लीट करो, 34 अपॉन 2, 34 के हाफ कितना होता है 17 लिखा, 2 4 8, 34 में से 1 गया 33 इंटू ये 4, तो 17 अपने जगह पे, 8 अपने जगह पे, 33 इंटू 4, 4 3 12 का 2, ओके 1 आया, 4 3 12 और 1 13, 132, तो 17 इंटू 132 प्लस 8 140। अभी 140 इंटू 70 करो, क्या आंसर आता है, देखो 140 इंटू 17, देखो एक जीरो लिखा, 17 0 0, 17 4 68, तो 68 का 8 इधर आया 6, 17 1 17 और 6 कितना होता है 23,
2380, ये हमारा आंसर। तो हम बता सकते हैं कि सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 140 डिवाइजेबल बाय 4 इज 2380। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं।